हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के स्टूडियो अंदर मैं यहाँ पे कंपेयर करने जा रहा हूँ रियलमी 10 प्रो प्लस वर्जेस रियलमी 11 प्रो प्लस। जी हाँ जी, आपने एकदम सही सुना। ये देखिए रियलमी 10 प्रो प्लस है मेरे हाथ में। यदि आप इन दोनों में से कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा। सारी चीज़ बताऊँगा, दिखने में, कैमरे में, क्वालिटी में, सारी चीज़ बताऊँगा। इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं और चैनल पर यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पहले एक चीज बताए, तो मेरे पास Realme 11 Pro Plus नहीं है। जी हाँ जी, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। यहाँ पर यार वीडियो को छोड़ मत जाना, बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होने दूंगा उसकी कमी। सारे डिफरेंस बताऊंगा, कैमरा वैमरा बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस नहीं होने दूंगा। तो इसलिए अच्छा सा कंपेयर कर रहा हूँ यार, अच्छा बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा उस फोन की। तो देखिए फर्स्ट है कैमरा, तो इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल का कैमरा, उसमें 32 रहता है सेल्फी में। और पीछे की बात करते हैं, पीछे के नीचे के सेम है, बस ऊपर के जो 200 मेगापिक्सल है वो चेंज हो चुका है, उसमें 200 मेगापिक्सल है। और उसमें OIS है, इमेज स्टेबलाइजेशन है, इसमें नहीं है। इसमें जो फोटो खींचते तो हिल जाती है बहुत ज़्यादा, चाहे खड़े रहोगे ना फिर भी थोड़ी सी ब्लर सी फोटो आती है, इतनी भी नहीं पर थोड़ी बहुत देखे तो जूम करके। चा? तो अब बात करते हैं स्क्रीन की। स्क्रीन दोस्तों बिल्कुल सेम है, सामने से ऐसे देखोगे ना पता ही नहीं चलेगा 10 Pro Plus है या फिर 11 Pro Plus है। और बाकी दोस्तों हाइलाइटर फीचर की बात करता हूँ, उसमें जो पीछे का है ना, ये इसमें देखिए प्लास्टिक का है पर उसमें लेदर की फिनिश है। आपने देखा हो तो फोटो सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। तो देखिए गाइस, ये तो बात होगी ऊपर ऊपर से, बट अब अंदर से बात करता हूँ। अंदर से लिए देखिए, एक वेबसाइट है ये अच्छी तरह कंपेयर करके दिखाती है, फोन होना होना जरूरी नहीं है। मैं आपको साफ साफ एक एक चीज बताऊंगा। देखिए चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्राइस आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है, ये देख सकते हो। प्रोसेसर आप देख सकते हैं, इसमें MediaTek Dimensity 7050, इसमें आप देख सकते हैं मेरे वाले में कितना है। और स्क्रीन देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, और कैमरे का डिफरेंस आप देख सकते हैं, बस आगे का जो उसका अंतर, और फ्रंट का भी देख सकते हो। बैटरी भी सेम है, बस इसमें स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये देखिए, ये काम चेंज नहीं हो, ये देखिए प्राइस भी आ चुकी है। बेंचमार्क स्कोर आप देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो, वेबसाइट का नाम मैं आप बता दो क्या ये नाम है देख सकते हैं। तो यार बस आज के बिस्तर ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और भी मैं आपको चीज़ दिखा दूँ। देखो एंड्रॉइड वर्जन भी दोनों का सेम है, UI वेरी गुड। देखिए दोनों डायमेंसिटी, ये देखिए कितने GHz पे चलता है वो भी दिखा रखा है, आर्किटेक्चर दिखा रखा है, सारी चीज़ देखिए, रैम टाइप दिखा रखे, और भी चीज़ दिखा दो, बूटअप टाइम देख सकते हैं कितना है, एक ही चीज़ हीटिंग, बैटरी ड्रेन, यार सारी चीज़ें इस वेबसाइट में देखिए, स्क्रीन टाइप, एमोलेड, सारी चीज़ें और भी दिखा दो। देखिए ये देखिए कर्व डिस्प्ले दोनों में, और ये देखिए ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है 11 प्रो प्लस में। HDR दोनों में 120Hz से, दोनों के डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे, देखिए ट्रिपल कैमरा है दोनों में, देखिए देखिए आपको और दिखाता हूँ। तो हाँ बट दोस्तों 10 प्रो प्लस में OIS नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया। तो देखिए दोनों में 20x जूम देखने को मिल जाता है आपको, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें यार ख़त्म ही नहीं हो रही। टाइप सी चार्जिंग देखिए चलता ही जा रहा है। तो यार बस आज के बिस्तर ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और दोनों में 5G सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है आज के जो फ़ोन बन रहे सस्ते भी उनमें भी 5G आ रहा है। और बस आज से बताएं, अब आप सभी कमेंट करके बताओ आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, मेरे वाले या फिर 11 Pro Plus। तो और बस थैंक्स।